तो पहला आपसे क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और आंसर दीजिए कमेंट में कि क्या आंसर हो सकता है, कि आप लोग कैसे इसे पकड़ ले रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, कि ये किस बेस पे बनाया गया। सबसे सिंपलेस्ट होता है ये लेटर टू डिजिट का, सबसे जो शुरुआती बोला जाए तो यहीं से शुरुआत होता है लेटर टू डिजिट, ठीक। तो ये इसका आंसर कमेंट करिए। इसमें सिंपल सा है, जैसे ही देखोगे रेंज लिखा हुआ है और इस रेंज का कोड किया गया है 18, 11, 47 और लास्ट में 5। वैसे ही तुम्हें 18 दिखा तो और R की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी। R की वैल्यू क्या होती है भाई? प्लेस वैल्यू। फिर से हर जगह क्या काम आएगा आपको? प्लेस वैल्यू ही काम आएगा कोडिंग डिकोडिंग में। तो R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। और वही पहले दिख रहा है आपको, तो समझ गए कि जो यहाँ पे R है, ठीक है, जो R है उसी की प्लेस वैल्यू को वहां लिखा गया है। देख लेते हैं, रेंज लिखा है, अल्फाबेट्स के सभी आपके प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तभी आप आंसर बता पाओगे। R किस पे होता है? 18 पे। और ये किस पे होता है? 1 पे। इसकी अगर प्लेस वैल्यू कर दो तो यह 14 पे होता है और ये 7 पे होता है, ये 5 पे होता है। देखो मिला के यही तो लिखा है, 18, ये दोनों मिल गए 11, ये 47 और लास्ट का 5। मतलब सिंपल सी कोडिंग हुई है, जिस प्लेस पे जो आता है वही लिख दिया गया है। तो आपसे पूछा है ब्लू, तो बी किस पे आता है? 2 पे। L किस पे आता है? 12 पे। ये किस पे आता है? 21 पे। और ये 5 पे। तो 2, 12, 21, 5 किस पे आ रहा है? देख लो, 2, 12 इसमें तो नहीं है, 2, 12, 21, 5 2 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया और ये 5 हो गया। ये ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है लेटर टू डिजिट। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लेटर टू डिजिट टाइप 3। लेटर टू डिजिट ये होता है आपका टाइप 3 कोडिंग डिकोडिंग का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन फिर इसका लेटर टू डिजिट का किस टाइप से आपसे सामने पूछ सकता है। तो आपके सामने है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर करिए कमेंट से जल्दी से जल्दी। बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी संकेतिक भाषा में ड्रोन को कोड किया गया है 23912132 में, ट्रेन का कोड पूछ रहा है आपसे। अब क्या होगा भाई? वहां तो सिंपल सा था, देख लिए थे कि वहां पे डी दिखा मतलब R दिखा, तुरंत 18 दिख गया, तो माइंड आपका काम कर गया कि भाई R की वैल्यू 18 होती है, सिंपल सा कोड कर दिया गया। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, D यहाँ लिखा हुआ है। D किस पे होता है? प्लेस वैल्यू लिख दो 4। ये R किस पे होता है? 18 पे, ये 15 पे, ये 14 पे और ये 5 पे। तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा उसके रेलिवेंस। मगर हाँ, जैसे ही ये 23 आप दिखो, 23 है और D किस पे? 4 पे। तो 23 और 4 क्या हो जाएगा भाई? 27। अब मैंने क्या बताया था इससे प्रीवियस वाले में, जब आपको ए टू जेड बताया था कि कोडिंग करने के, और बोला भी था कि आप जब ए से जेड लिखना तो ए से एम तक एक लिखना और यहां से एन से जेड तक एक लिखना, तो जो एक साथ आएंगे वो क्या होते हैं? अपोजिट पेयर होते हैं। तो वही अपोजिट पेयर का जो प्लेस वैल्यू का सम होता है वो 27 होता है। तो देखो यहाँ 23 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा? 27। तो क्या देखें आगे भी ऐसे चल रहा है क्या? देख लें, 18 का अपोजिट लेटर कौन सा होता है? 9 होता है। 9 पे क्या आता है? I, तो वही लिखा हुआ है। और 15 में 12 जोड़ोगे तभी 27 बनेगा, तो 12 वाला ही अपोजिट होता है। मतलब अब क्या किया गया है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका किस टाइप से पूछा गया है कि उसका जो अपोजिट जो होता है ना, अपोजिट वैल्यू, उसको लिख दिया गया है कोड में, जो नंबर में लिखा गया है उसके अपोजिट वैल्यू को लिख दिया गया है। तो उसी तरह आपसे ट्रेन का कोड पूछ रहा है। तो साथ साथ पहले ये बताओ कि टी की कोड क्या वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू 20 होता है, ये 18 और ये 1, ये 9 और ये 14। कोड कैसे हुआ है? कोड इसके अपोजिट वैल्यू से हुआ है, ठीक है। अपोजिट मतलब कि इनका सम क्या जोड़ लिया जाए कि सम 27 हो जाए। तो 20 में कितना जोड़ोगे भाई? 7 जोड़ोगे ना, तभी तो 27 होगा। और 18 में कितना जोड़ोगे? 9 जोड़ोगे, तब 27 होगा। और 1 में कितना जोड़ोगे? 26 जोड़ोगे, तब 27 होगा। और 9 में कितना जोड़ोगे? 18 जोड़ोगे तो 27 होगा। और 14 में कितना जोड़ोगे? 13 जोड़ोगे, तब 27 होगा, ठीक। तो ये आना चाहिए आपका आंसर 7926। 7926 इसमें भी है, 7926 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपका दो बचे हैं, 7926 18। तो यहाँ है 18, इसमें नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये लेटर टू डिजिट का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया कि जो भी आपका लेटर दिया गया है उसके अपोजिट
प्लेस, उसके प्लेस वैल्यू के अपोजिट प्लेस वैल्यू से नंबरिंग किया गया है। जैसे ए आपका किस पे पड़ता है, एक पे पड़ता है, तो इसका अपोजिट वाला किस पे पड़ता है, 26 पे पड़ता है, ठीक। तो ऐसे बी आपका 2 पे पड़ता है, तो इसका अपोजिट किस पे पड़ता है, वाई 25 पे पड़ता है। तो इसके अपोजिट से इसमें कोडिंग की गई है, ये है इसमें लॉजिक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा डिफरेंट टाइप का ये भी है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, डिफरेंट लॉजिक पे है, मगर बेस्ड किस पे है, लेटर टू डिजिट पे ही बेस्ड है, मतलब टाइप 3 ही है आपका। बोल रहा है किसी संकेतिक भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। अब बी ए टी को 23 लिख दिया गया तो आप पे एक ही रामबाण है, क्या है आपको कि ये 23 कैसे होगा। उसके लिए हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लें। बी किस पे आता है, 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 20 पे आता है। तुरंत आपके दिमाग में चल जाएगा, क्लिक हो जाएगा, भैया 2 और 1 3 ये हो गया और 20 ये हो गया। तो यहाँ दोनों सबका क्या किया, प्लेस वैल्यू का सम लिख दिया और ये 23 हो गया। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं, पहला वाला नहीं आता इसलिए वो बहुत आसान हो जाता, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, मगर इससे आते हैं क्वेश्चन। इससे आपके एक क्वेश्चन आता है कि आपके प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो उठा के उसके कोड में रख देगा। तो ये हो गया आपका 23 समाप्त, आपको आराम से पता चल गया। अब ऐसे ही हमें दिल्ली का कोड निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका सम कर दो। तो डी किस पे आता है, देख लो 4 पे आता है, और ई 5 पे आता है, ठीक, और ये 12 पे आता है, और ये आपका 8 पे आता है, ये 9 पे आता है। तो 12 8 20 20 5 25 25 4 29 29 31 39 ठीक, सॉरी 38 38 आपका आएगा। यहां पे जब आप सम करोगे तो 38 आपका कहां ऑप्शन आएगा, 38 आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक। तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हम पूरा का पूरे सभी का प्लेस वैल्यू का सम कर दो तो आपका आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा है आपसे, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी पूछ रहा है कि एक संकेतिक भाषा में प्रिंट को 58 लिख दिया जाए, ठीक। जब भी आपका क्या होता है, यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू आ जाती है तो आप इतना जान लो कि उनके प्लेस वैल्यू में या तो डिवाइड हुआ होगा, ठीक, या उनके प्लेस वैल्यू का सम होके आया होगा, ठीक है, यही दोनों हो सकता है। तो जब तक हम प्लेस वैल्यू को लिखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या है इस पे। तो भाई इसका आंसर कमेंट करो, देखते हैं किसका सही होता है, ठीक। प्रिंट, ये प्रिंट है, इस पे इसका इक्वल टू बता दिया गया है 58। भैया ये किस पे होता है वैल्यू बताओ, पी 16 पे होता है, आर किस पे होता है 18 पे, ये 9 पे, ये 14 पे, ये 20 पे। जब हम इसको सम करेंगे सभी इसके प्लेस वैल्यू को 16 18 9 14 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 4 10 8 18 18 और 9 8 7 27 77, ठीक है। तो ये 77 हो जाएगा आपका, मगर लिखा क्या है आपसे क्वेश्चन में 58, तो ये कैसे हो गया भाई, सम तो आ रहा है 77, लिखा 58 है, तो हम उतना देख ही नहीं पाएंगे ये कैसे हुआ है, क्या लॉजिक लगा है। ऐसा भी नहीं है कि ये किसी से डिवाइड हो जाए तो 58 आ जाए, तो क्या होगा, तब आपको सोचना पड़ेगा इस ये जो बेस है किस पे बेस्ड है, ये लॉजिक इस पे कि इसका जो अपोजिट वैल्यू है, अभी तक जो सेम प्लेस वैल्यू था, मैं क्वेश्चन जो इससे प्रीवियस वाला पढ़े उसमें क्या था, जो प्लेस वैल्यू था वही सम होके आ जा रहा था, मगर इसमें क्या है आपका कि इस जो प्लेस वैल्यू है इसके अपोजिट वाली जो वैल्यू है, मतलब पी का अपोजिट क्या आता है, पी के अपोजिट में कौन सी वैल्यू आती है आपकी, 11 आती है, 6 एक 7 तभी तो ये 27 होगा, 11 वाली वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू क्या है सम होके आए हैं देखते हैं। जैसे पी के अपोजिट में 11 होता है, 18 के अपोजिट में 9 होता है, ठीक है, तभी तो 9 18 9 27, और 9 के अपोजिट में 18 होता है, और 14 के अपोजिट में 13 होता है, और 20 के अपोजिट में 7 होता है, ठीक है। तो 7 3 10 8 18, और 18 और 9 27, 1 28, और 2 यहां बचा, तो 3 और 2 5 58 आ गया। अब आ गया
आराम से पहला आप सोचो कि इसे सम किए तो नहीं आया, दूसरा आपके दिमाग में क्या होना चाहिए तुरंत कि उसके अपोजिट वैल्यू को देख लें सम करके, कहीं कोड तो नहीं किया गया। मैं सिर्फ सोचने का आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है ऐसा तो आपको किस किस पॉइंट पे सोचना है। पहला पॉइंट तो ये कि इसके प्लेस वैल्यू को सम करके देख लो, नहीं आया। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि चलो ये नहीं आया तो ये वाले सोच लेते हैं कि इसका अपोजिट वाले प्लेस वैल्यू को सम कर लें तो हो सकता है आ जाए। तो देखिए हमने जैसे किया आ गया 58, तो आपको आंसर किसका निकालना है वो देख लेते हैं। मूव का आंसर निकालना है MOVE। M किस पे आता है? 13 पे। O कितने पे आता है? 15 पे, ये 22 पे और ये 5 पे। मगर हमें इसका सम नहीं करना है प्लेस वैल्यू के, इसके जो अपोजिट में आते हैं। भाई अपोजिट में क्या आता है? देखो 13 के अपोजिट में 14 आता है, 15 के अपोजिट में क्या आता है? 12 आता है, तभी तो 27 होगा। हमेशा अपोजिट वाले पेयर का सम 27 होता है। 22 के अपोजिट में क्या आता है? 5 आता है, और 5 के अपोजिट में 22 आता है। ठीक, तो यही आपको देखना है, इनको सम कर लो 14, 12, 5 और 22। 14, 12, 5, 22 क्या हो जाएगा? 5, 4, 9, 10, 2, 12, 13, 3 यहां आ गया 1, और 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 आपका क्या हो जाएगा? 53। 53 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। तो उसके अपोजिट को ही ये ध्यान रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू सम होता था, और चौथा आपका जो तीसरा एग्जांपल था, और चौथा जो एग्जांपल है उसके अपोजिट पेयर का जो प्लेस वैल्यू है वो सम होके आपका लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक किसी डिफिनिट पैटर्न पे है। बोल रहा है रेड को कोड किया गया है 360। जैसे ही यहां वैल्यू इससे ज्यादा देख लोगे तो समझ जाओगे ये 360 कैसे आया। भाई इतनी वैल्यू कब आ सकती है? जब मल्टीप्लाई हो। ठीक, तो बस जैसे ही पता चल जाएगा, इतना सोच ले जाओगे कि मल्टीप्लाई हुआ है, तो दो दिमाग में आएगा आपको कि मल्टीप्लीकेशन मतलब इनके प्लेस वैल्यू का जो हो वो मल्टीप्लाई हुआ हो। जैसे ये 20 पे आता है और ये 1 पे आता है, ये 18 पे आता है। तो अगर सभी को हम मल्टीप्लाई कर दें 18 × 1 × 2, तो 18 × 36 × 1 36 ही होगा, मतलब ये 360 आ रहा है। डायरेक्ट ये पता चल गया, इसमें कोई भी आपको लॉजिक ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपको MAT का पता करना है तो क्या होगा? ये आता है 13 पे और ये आता है 1 पे, ये 20 पे। तो 13 × 2 कितना होता है? 26। तो 260 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मिल गया हमारा? ऑप्शन ए मिल गया। ठीक, मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन लेटर टू डिजिट में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ मैंने 3 लेटर का लिया, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है। सबका मल्टीप्लाई करके जब बड़ी सी डिजिट दिखे तो समझ लेना कि वो क्या है, उन सभी के प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा है TASA और सिर्फ लिखा गया है 5। तो पहला दिमाग में यह होगा कि अरे हो सकता है कि यहाँ 4 डिजिट है तो 1 बढ़ा दिया गया, 5 हो जाए। यहाँ 2, 2, 4, तो इसमें भी तो आना चाहिए कि 4 डिजिट है तो उसका भी 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन में तो पहले वो नहीं है जो तुम सोचे, वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें उससे अलग सोचना है। अलग सोचना है, पहला थॉट तो यही आएगा इस क्वेश्चन को देख के। दूसरा थॉट क्या आएगा आपके दिमाग में? दूसरा थॉट ये आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे तो बहुत थॉट्स आएंगे दिमाग में कि अरे कैसे 5 हो गया। तो दूसरा थॉट तुरंत आना चाहिए कि अगर इतना सिंपल सी वैल्यू इसमें दिया गया है आपको TASA को, तो हर एक जो डिजिट है आपका, जैसे यहां TASA हम लिख दें और इसकी प्लेस वैल्यू लिख दें, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया, ये 19 हो गया और ये 1 हो गया। दूसरा ये होना चाहिए जब भी यहां पर सबसे कम डिजिट हो तो आप याद रखो कि इनके जो डिजिट है जो आपके डबल डिजिट में हो, जैसे टी किसमें है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 डिजिट में है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। सिंगल डिजिट मतलब इसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस को प्लस करो, तो 2 और +0 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ये एक सिंगल डिजिट है, इसको रहने दे, 1 प्लस कर लो। 9, 1, 10 ये फिर से आ गया क्या डबल डिजिट में, अब इसके फिर से सिंगल में करो तो 1। ठीक है, और यहां पे ये 1 है ही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गया ना, 5। ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट तुम ये भी कर सकते हो
TASA लिखा हुआ है आपका, तो ये 20 पे आता है, ये एक पे, 19 पे और ये एक पे, तो 19 एक 20, 20 40 और एक 41, सबको सम कर दो 41। तो जैसे 41 तुम्हें दिखेगा तो 41 तो लिखा नहीं है भाई, क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो दिमाग क्या क्लिक करना चाहिए कि हो सकता है कि 4 और 1 ये 5 हो गया हो भाई, इनके वंस और टेंस डिजिट हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा ये 5, तो यहां 5 मिल गया। तो देखें क्या है, यही लॉजिक इसमें फॉलो कर रहा है, जो ऑप्शन दिया है इसका भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 20 पे आता है और ये 1 पे, ये 12 पे, ये 11 पे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 11 और 20 एक 21, ये आपका है। तो 2 1 3 1 4 यहां हो जाएगा, 2 1 3 1 4 यहां हो जाएगा, तो दोनों क्या हो गए 4 4, तो दोनों का टेंस डिजिट और वंस डिजिट प्लस कर दो, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। देखो 8 ऑप्शन में है, क्या दिया, हाँ दिया गया है, इसका मतलब इसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक। तो ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, संकेतिक भाषा डॉग को 140 लिखा गया, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो 140 इसे कैसे लिखा गया भाई, आपके दिमाग में पहले आएगा 140 कैसे हो गया ये। तो पहला काम, तो जब तक इसकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखोगे तब तक कुछ पता नहीं चलने वाला। ये किस पे आता है, 4 पे, और ये किस पे आता है, 1 पे, और ये किस पे आता है भाई, 7 पे। तो अभी तो जो दिख रहा है, क्योंकि अब सिंपल सा ऐड करेंगे तो कम वैल्यू आएगी, 140 तो आएगी नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। ओ है शायद ये, सॉरी 15 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 140 आ जाए। अगर 15 चौको 60, 15 गुड़े 4 कर दें तो यहां हो जाएगा 60, गुड़े 7 कर दें तो 7 छक्के 42, 420 आना चाहिए था, मगर 140 ही आया है। तो मल्टीप्लाई ही होके ये वैल्यू आई है, मगर कैसे ये पता करना है हमें मेन, तो ठीक है। तो ये वाला फंडा तो किया नहीं काम हमारा, तो सोचोगे सर 3 डिजिट है तो हो सकता है 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड होगा तभी 140 आएगा। यहां दिमाग दूसरा बात, जो दूसरा थॉट आएगा इस क्वेश्चन पे, एक पहले तो 420 आया, अब 140 लाना है तो तुरंत सोच लोगे यहां 3 डिजिट है तो इससे 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा 140 आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौक के 12, 140 तो आ गया। तुरंत सोचोगे हाँ यही लॉजिक लगेगा कैट में, चलो लगा के आंसर निकाल देते हैं, देख लेते हैं भैया आपका आंसर आता है कि नहीं। ये हो गया 3 पे और ये 1 पे, ये 20 पे, तो 20 यहाँ 60 इंटू 1 60 ही आएगा इसका, और डिवाइड कर दो, इसमें भी 3 लेटर हैं तो 3 दूनी 6 मतलब 20 आना चाहिए। ऑप्शन में 20 है क्या, सब कुछ आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता कि आपने इसके निकाल लिया, मेन डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर ने ऑप्शन क्या सेट किया है, ठीक है। तो यहां क्या सेट किया भाई, उसने 20 नहीं सेट किया, तो लॉजिक क्या है, कोई और है। तो अब ढूंढते हैं उस लॉजिक को, वो लॉजिक ये है कि यहां डॉग लिखा है, ये 4 पे होता है, ये 15 पे और ये 7 पे, तो ये जो भैया है ना 15, दो डिजिट वाला है, इसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है 5, इसके वंस और टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अब हो गया ये सिंगल डिजिट में सभी 4 5 और 7, तो 5 चौक को 20 और 20 गुड़े 7 140, ठीक है। तो ये आ गया ना 140 यहां से, बस आपको वही सोचना है अब कि कैट में लगा लें, देखें यही क्या आंसर इसी पे निकल आएगा कि नहीं आएगा। ये 3 पे होता है और 1 पे होता है ये, और ये 20 पे होता है, तो इसकी जो वैल्यू है टी की, ये दो डिजिट में है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके वंस और टेंस पे जो डिजिट है आपका उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या आएगा, बड़ा वाला 0 आएगा, तो ये 0 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका डी सही हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जब आप एग्जाम में बैठो तो वहां एकदम ब्लैंक ना हो जाओ, ये सब सोचना है कि सर ने बताया था इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो पैटर्न सब सोच लेना, इस पे प्रैक्टिस कर डालना, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, तब तो आप क्या करोगे एग्जाम में फुल मार्क्स, कोई भी आपसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन
छूटेगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यह बोल रहा है रोम को कोड किया गया भैया 1 से। यह देखो यहां तो 4 आपका पूरा का पूरा लेटर है, उसको बोल दिया गया 1, यह कैसे हो गया? देखते हैं भैया क्या काम है इसमें। हॉर्स हॉर्स लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि कोड क्या होगा, और कोड कैसा दे दिया है। ऑप्शन देख लो भैया, पहले तो ऑप्शन देखना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर किस हिसाब से ऑप्शन सेट किया है। कोडिंग डिकोडिंग में तो यही होता है, आपने लॉजिक लगाया कुछ और एग्जामिनर ने लॉजिक लगा के ऑप्शन सेट कर दिया कुछ और, तो वहां सोचोगे सर गलत था क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, वो लॉजिक उस समय आपके दिमाग पे क्लिक नहीं करता है, इसलिए बोलते हो कि गलत था क्वेश्चन। तो यहां तो हम समझ गए थे कि जैसे 1 लिखा है, यहां हॉर्स का कोड पूछ रहा है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसमें लॉजिक ये है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, जिसे समझ में आ गया हो इसका लॉजिक वो कमेंट में आंसर दो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं कि इसमें लॉजिक ये लगा है आपका, ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा है कि ये आप सिंपल सा इसके कर लेते हो नंबरिंग 18, 15, 13 और 5, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको देखना है कि इसमें वॉवेल कितने हैं, इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो है लॉजिक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक है, ठीक। तो उसी पे है ये, कितने वॉवेल हैं ये बता देखना है आपको, ओ है और ई है मतलब दो वॉवेल हो गए, और कितने कॉन्सोनेंट हैं आपके, एक आर है एक एम है, तो अपॉन 2 कर दो तभी 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। देखें क्या यही लॉजिक हॉर्स में लगा है। हाँ यही लॉजिक लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है भाई है? चलो ये है 18, ये 15, इन सब का कोई डिजिट का वैल्यू उससे मतलब नहीं है। मेन तो है इसमें आपको क्या ढूंढना है, वॉवेल कितने हैं। पहला वॉवेल ये है, दूसरा वॉवेल ये है, दो वॉवेल है ओ और ई, ठीक है। तो दो वॉवेल हो गए, उसको पहले लिखना है, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, एक एच हो गया, एक आर हो गया, एक एस हो गया, तो एच आर एस मतलब 3 कॉन्सोनेंट है, तो डिवाइड होगा 3 से, तो ये फुल्ली डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पे भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि किसी संकेतिक भाषा में रेड को कोड किया गया 13, यहां भी कम हो गया, तो जैसे भाई कम होना तो समझ जाना कि वैल्यू क्या है, क्योंकि ये 18 खुद ही में अपने आप में होता है, उसी से वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, या तो उसमें डिवाइड हुआ है या तो माइनस हुआ है, दो ही चीज चलता है भाई, तभी आपकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। और एफ ओ एन की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो चलो पहले तो इसे देख लेते हैं, और जिसका आंसर आ गया भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आंसर। ये देखो 18 और ये 1 और ये 20, तो इसका सम करोगे तो 20 एक 21 और 18 8 एक 9 2 एक 3 39 आना चाहिए, मगर ये कितना आया है, 13 आया है। तो 39 आया है तो, और वहां पे 13 है, तो 13 से क्या 39 का कोई रिलेशन है क्या? 13 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 तिया क्या होता है, 39, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड हुआ है, 3 से डिवाइड हो गया, तभी तो यहाँ पे 13 आ गया। और 3 से क्यों डिवाइड हुआ, कि 3 लेटर है, ठीक। ये भी होता है कभी कभी, क्या होता है क्वेश्चन में, यहाँ 3 लेटर है तो 3 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ कभी कभी होगा कि यहाँ मान लो 4 लेटर है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में। अगर 3 से डिवाइड वाला ऑप्शन आपका है तो वो सही होगा, क्योंकि ये 3 से हुआ तो ये भी 3 से होगा, मतलब कि वहां लॉजिक ये लग रहा है कि एक कांस्टेंट नंबर से ये भी डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं है वो आंसर तो आपको दिमाग लगाना है कि फिर उसके इस पे लगाना है कि कितने इसमें लेटर हैं, तब इसमें 4 लेटर हैं तब आप 4 से डिवाइड करना, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अभी जैसे करोगे इसे एफ ओ एन को जो मैंने सॉल्व किया आपके लिए क्वेश्चन, ठीक, तो इसे क्या करेंगे, अगर ये आता है कितने पे भाई, 6 पे, ये 15 पे, ये आपका 14 पे और ये 5 पे, ठीक है। तो 15, 5, 20 और 14, 6, 20, तो 20, 20 कितना हो गए, 40, तो ये 40 आया। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो फ्रैक्शन में आंसर आना चाहिए था,
क्योंकि अगर कई कांस्टेंट वाला अगर मैं लॉजिक लगाता कि तीन एक कांस्टेंट है उसी से दोनों को डिवाइड कर दिया गया, मगर ऑप्शन नहीं सेट किया गया ऐसा, तो जब ऑप्शन में एग्जामिनर ने सेट ही नहीं किया तो ये लॉजिक नहीं होगा। इसका मतलब सेकेंड लॉजिक होगा कि जितने इसमें लेटर हैं उसी से डिवाइड होगा, तो कितने लेटर हैं, चार लेटर हैं, तो चार से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, दस आ जाएगा, तो दस तो इसने सेट किया है एग्जामिनर ने, तो आंसर यही हो जाएगा ए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसमें बोल रहा है कि डॉग को कोड किया गया है 78 में, कैट का कोड पूछा है आपसे क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि भैया क्या हुआ है, पहले तो इसको पहले प्लेस वैल्यू इसकी सम कर लेंगे, ये कितने पे आता है, चार पे, ये 15 पे, ये 7 पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 5 20 20 6 26, सम इसको करोगे सभी वैल्यू को, 4 प्लस 15 प्लस 7 तो यह आएगा 26, मगर यहां पे कितना है 78, तो बढ़ गई है वैल्यू, इस मतलब इसके जो वैल्यू आनी चाहिए थी प्लेस वैल्यू को सम करके वो आएगी 26, मगर क्या हुआ है इससे बढ़ गई है। तो जब चीज बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो उसमें प्लस होता है कोई चीज या उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, दो ही चीज होता है भाई। तो देख लेते हैं क्या 26 का रिलेशन 78 से कैसा है भाई, बताओ। तीन से अगर इसमें हम गुणा कर दें तो 3 6 18, 3 2 6 1 7, 78 आ गया, कमाल हो गया भाई, 378 आ गया। तो अब इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे मैंने पिछली बार वाले में बताया था कि 3 डिजिट था तो उसका डिवाइड हो जाता था, यहाँ पे 3 लेटर है आपका, तो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बस वही लॉजिक है, एक डिवाइड वाला है एक मल्टीप्लाई वाला। तो अब आपको आंसर किसका निकालना है, कैट का निकालना है। तो ये क्या होगा, बोलोगे सर कितना आसान आसान लेके आए हैं एग्जाम्पल सेट करके, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल से कि क्वेश्चन आपसे कैसे डिफरेंट टाइप से लेटर टू डिजिट में पूछता है, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहना। सी कितने पे होता है, 3 पे, ए कितने पे होता है, 1 पे, और ये कितने पे होता है, 20 पे, ठीक है। तो अब कैट का पूछ रहा है आपसे कि इसका आंसर क्या होगा, तो 20 और 4 24, तो ये तो आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, क्योंकि हुआ क्या है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहां से भी 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहां 3 ही डिजिट है, अगर 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, वो डिपेंड करता है यहां पे ऑप्शन कैसा सेट किया गया है। तो 24 यहां कितना हो जाता है, 72, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ये, ठीक। तो चलो अगले लॉजिक पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, रेट को कोड किया गया है 14 11 6 में, हॉर्स का कोड पूछ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन का, जिसे आता हो भाई कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अब इससे देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप क्या करो, RAT लिखे हो, इसका जो है आपका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 1 और 20 होता है, और इसने कोड क्या किया भाई, 14 किया है, 1 किया है और 16 किया है, ऐसा कैसे, ऐसा ये कर सकते हो भाई, इसमें से माइनस 4 कर दिया तो इसमें से भी तो माइनस 4 करना चाहिए था, इसमें से माइनस 4 कर दिया, चलो ठीक है, मान लिया बीच वाले को छोड़ दिया, लास्ट और पहले वाले को माइनस 4 कर दिया, तो हो सकता है क्या ऐसा इसमें भी, एक तो इसमें नंबर ऑफ लेटर भी ज्यादा हैं, तो अगर बीच वाले में सेम रहे सभी की वैल्यू, तो यहां 15 होगा, यहां 18 होगा और यहां 19 होगा, तो ऐसी कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, कोई कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब ये लॉजिक लगाना ही क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, कि हम सोचें ये 8 पे आता है तो चलो इसमें से माइनस 4 कर दे तो यहां 8 हो जाएगा, और ये 5 पे आता है यहां से माइनस 4 कर दे तो यहां पे 1 हो जाएगा, और बीच वाली सभी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि यहां पे इसके बीच में एक ही लेटर था तो इसलिए 1 सेम आया, तो इसमें 3 लेटर है तो तीनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो 8 से तो कहीं शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम जिस लॉजिक पे जा रहे हैं भाई वो लॉजिक क्या है, गलत है। तो दूसरी लॉजिक है उसे कैसे हम बताते हैं, कि देखो लॉजिक ये है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नया पूछ सकता है कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये मैंने जेड तक लिख दिया आपसे, ये रेट लिखा है
तो इसमें भी वही वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला ही लॉजिक लगा है कि आर को, ठीक है, नंबरिंग में सिर्फ अगर कॉन्सोनेंट की नंबरिंग किया जाए तो आर किस पे आएगा, तो उसमें से हमें क्या वॉवेल को हटाना पड़ेगा पहले, जितने वॉवेल हैं ए ई आई, ठीक है, ओ और यू, आपके कितने हैं, पांच वॉवेल होते हैं, तो वो हटाना पड़ेगा हमें, तभी हमें पता चलेगा कि आर कितने पे आएगा अगर सिर्फ हम कॉन्सोनेंट को क्या करें, यहां से नंबरिंग कर लें, तो एक कर लें, ये दो कर लें, ये तीन कर लें, ये चार हो जाएगा, ये पांच हो जाएगा, ये छह हो जाएगा, ये सात आठ नौ दस, ये 11, 12, 13, ये 14, देखो 14 पे आ गया आर। अगर सिर्फ हम कॉन्सोनेंट की नंबरिंग अलग से कर लें तो आर 14 पे आ गया, वही वहां लिखा है। वॉवेल की नंबरिंग अलग कर लें, पांच वॉवेल होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, इसकी नंबरिंग अलग कर लें, एक दो तीन चार पांच, तो पहले पे क्या आता है, वन आता है, ए आता है, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी वन। और भाई टी किस पे आएगा, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में अगर टी किस पे आएगा, ये 14 पे है तो 15 पे है, ये 16 पे आएगा, तो हाँ 16 पे, तो यही तो किया गया है यहाँ पे कोड, बस पकड़ में आ गया। आपको करना है किसका आंसर निकालना है, हॉर्स का आंसर निकालना है, तो देखो एच कॉन्सोनेंट है और किस पे आ रहा है, अगर हम उसकी सिर्फ कॉन्सोनेंट में नंबरिंग कर रहे हैं तो 6 पे आ रहा है, तो यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है। और ओ क्या है, वॉवेल है, वॉवेल में ओ कितने नंबर पे आ रहा है, चार नंबर पे आ रहा है, तो 6 4 होना चाहिए। और आर किस पे आएगा, 14 पे आएगा कॉन्सोनेंट में। और एस किस पे आएगा, एस देख लो 15 पे आ रहा है। और ई किस पे आएगा, वॉवेल है तो 2 नंबर पे आना चाहिए, तो 6 4 1 4, 6 4 1 4 1 5 2, यही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन ए। तो ये लॉजिक चल रहा है इसमें, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आपसे इस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, रोम को कोड किया गया है 9645 में, टेस्ट का कोड क्या होगा, तो इसे देख लेते हैं, आर ओ एम ई, यहां इसकी नंबरिंग कर देते हैं 18 15 13 और 5, कोड क्या है भाई इसका, 9645। तो हमें एक चीज दिखा यहाँ पे कि ये पांच तो सेम है भैया, जब देखें हम पांच यहाँ है तो पांच यहाँ है, लॉजिक कहाँ से पकड़ में आना चाहिए, पांच और एक छह, मतलब कि क्या हुआ है कि जो आपके डबल डिजिट में है, जिसकी वैल्यू, जिस लेटर की वैल्यू, प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है, उसके वंस और टेंस प्लेस को जोड़ दिया गया है और जो आया उसी से कोड कर दिया गया, जैसे 3 और 1 4, 5 और 1 6, 8 और 1 9, बस सिंपल सा है ये, तो आपको टेस्ट का कोड बताना है। तो क्या होगा भाई, ये 20 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 20 पे होता है, और ये 5 पे होता है, तो ये 5 तो लास्ट में होगा ही, 2 और 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 आना चाहिए, 1 पे ये 1 होगा, 9 1 10 10 हो जाएगा, तो फिर 1 और 0 करोगे तो यहां 1 आना चाहिए, फिर 2 और 0 करोगे तो 2 आएगा, मतलब 2 1 1 2 5, ऑप्शन ए आपका मैच कर गया, ये आंसर हो जाएगा। अगले लॉजिक पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बोल रहा है OETD को 40 लिखा गया है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, कैसे कोड किया गया है कि उसे 40 लिखा गया है, भाई देख लेते हैं। OET और D, पहला काम प्लेस वैल्यू सबका लिख लो, ये 15 पे है, ये 5 पे है, और ये 20 पे है, और ये किस पे है आपका, 4 पे है, तो 15 5 20, ठीक है, प्लस ऐड कर दो इन सबको, अगर ऐड करोगे प्लेस वैल्यू को तो 15 5 20 20 40 4 44 आना क्या चाहिए भाई, 44, और लिखा क्या है आपके सामने, 40, मतलब थोड़े ही आसपास में है, तो जान जाओगे क्या हुआ भाई, 2 और 2 4 लेटर हैं, तो इसमें से 4 माइनस हो गया है, तभी तो 40 हो सकता है, और किस तरीके, सिंपल से सोचो। तो आपसे पूछा है कि डॉग का कोड क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसे कोड कर लो 4 15 और 7 में, तो 7 15 और 4 19 और 7 9 7 16 1 2 26, ठीक, तो इसका जब प्लस कर लोगे सभी की प्लेस वैल्यू तो 26 आएगा, मगर हमें 26 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसमें क्या हो रहा है कि जितने आपके डिजिट हैं, जितने भी आपके लेटर यूज हुए हैं, उतना उसमें से माइनस हो रहा है, उसके प्लेस वैल्यू को हम सब जब सम कर रहे हैं,
तो हमारा प्लेस वैल्यू का सम आया है 26, इसमें से हम वो उतना माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जितने इसमें क्या है लेटर है, कितने लेटर है, तीन लेटर है, तो तीन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23 आएगा। तुम लोग जल्दी में कहीं 26 न मार लेना, यहां आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है डी एफ जे टी आर को कोड किया गया है 4 और आर बी ओ ई वी को कोड पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे कैसे कोड किया गया है कि सिंबल एक लेटर आया है। ठीक है, चलो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, एफ कितने पे आता है भाई, 6 पे, ये 10 पे, ये 20 पे और ये 18 पे, इनका हम सम करें, क्योंकि जब तक सम नहीं करोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसे सिंगल डिजिट बन गया है। तो 6, 4, 10, 10, 20 और 20, 40 और 40 और 18 कितना हो जाएगा 8 और 4, 58। ठीक, 8, 5, 58 आया इनका पूरे का पूरे का अगर सम कर दें हम तो कितना आएगा 58। और इनके यहां सिर्फ सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है तो सिंगल डिजिट में कब आ सकता है कि जितने भी आपके डबल डिजिट आए उनको सम करके क्या लाओ, सिंगल लाओ। तो 8, 5, 13 अभी भी ये डबल में है, इसके और इसका सम करेंगे 5 और 8 का तो सभी भी अभी ये किस में है, डबल डिजिट में है, तो फिर से सम कर लो 3, 1, 4 अब आया ना 4 देख लो, हाँ वही 4 लिखा हुआ है, मतलब दो बार इसे राउंड किया गया है, दो बार इसके हर जो आया है आपका क्या सम करने पे आपके दोनों डिजिट के प्लेस वैल्यू को उसके के डबल डिजिट आया तो जितनी बार डबल डिजिट आया उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। बस आपसे पूछा क्या है आर बी ओ ई और वी का कोड क्या होगा, ये 18 पे आता है, ये 2 पे, ये 15 पे, ये 5 पे और ये 22 पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या होगा इसका कोड, 18, 2, 20, 15, 5, 20 तो 20, 20, 40 और 40 और 22 तो 40, 50, 60, 62 इसका आ जाएगा प्लेस वैल्यू का सम। ठीक है, और इसे क्या करना है, हमारा एम क्या है, इसको सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है, एक डिजिट में होना चाहिए तो क्या करेंगे इसके वंस और टेंस डिजिट को प्लस कर देंगे तब 6, 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसमें इसलिए दो बार करना पड़ा क्योंकि जब एक बार किए तो 13 आया, तभी भी दो डिजिट में था, तो फिर एक बार किए तब जाके वह सिंगल डिजिट में आया, और यहां एक बार में सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो आंसर क्या होगा आपका 8 होगा, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन सब लॉजिक पे आप काम करिएगा, वर्क करिएगा। आज के लिए ये जैकपॉट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, पिछले वाले का किसी ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, पिछले वाले का जो जैकपॉट क्वेश्चन था उसका आंसर भी होगा, आप लोग लॉजिक लगाओ उस पे कैसे वो आया था। ठीक है, वो आपके जो पढ़ाया जाता है जो लेक्चर होता है उसी में उसका लॉजिक छुपा होता है। ऐसे ही जो ये आज का क्वेश्चन है, केज को 24 लिखा गया है और आपको ए बी ए डी आई डी ई ए का कोड पूछ रहा है क्या होगा, तो जो मैंने आज के क्वेश्चन में करा है जो लॉजिक लगाया उसी लॉजिक पे ये ऑप्शन सेट किया गया है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे आपका ये Type 3 था, Type 4 पढ़ेंगे, Type 5 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग पढ़ाएंगे, सिंबल कोडिंग पढ़ाएंगे, फिर कंडीशनल बेस्ड कोडिंग कराएंगे, मतलब जितने कोडिंग होते हैं ना सब हम आपको पहले पहले पूरा करा देंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट होता है हर पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होता है। चलिए इसी के साथ अगले सेशन में मिलते हैं।